राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर बड़ी खबर यह भी है कि सीएम आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। गहलोत उसमें मौजूद है, सुरजेवाला मौजूद है, अजय माकन मौजूद है और अविनाश पांडे भी मौजूद हैं इस बैठक में। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक तरफ देखिए जयपुर में बैठक चल रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। क्या ये इशारा वो ये कर रहे हैं कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है? क्या वो पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर वो अलग से कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? राजस्थान में जो कांग्रेस का संकट है वो बढ़ता जा रहा है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। लाल सिंह जरा अपडेट दीजिए, क्या है जयपुर से अपडेट, क्या हो रहा है जयपुर में, क्या हलचल है? देखिए विद्यानाथ, अब फिलहाल एक बात बहुत साफ हो गई है और सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या राजस्थान मध्य प्रदेश की राह पर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह सचिन पायलट ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये मैसेज करवाया है कि वो कल विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेंगे और 30 विधायक उनके साथ हैं, अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो चर्चा लगातार राज्यसभा चुनावों से हो रही थी और स्वयं अशोक गहलोत इसी बात की बार बार दुहाई दे रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश का इतिहास राजस्थान की सियासत में दोहरा दिया जाए, अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि क्या वाकई राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह सत्ता का बदलाव होने वाला है, यहाँ भी क्या गहलोत की सत्ता जाने वाली है। लेकिन इन तमाम प्रश्नों पर थोड़ा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब देखना ये होगा कि अगर ये जो सचिन पायलट का मैसेज है जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आया है, अगर ये सच है तो क्या आलाकमान पायलट को मनाने की कोशिश करेगा या फिर वही जो गलती ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरान दोहराई गई थी, ज्योतिरादित्य लगातार कोशिश करते रहे आलाकमान से मिलने की, बड़े नेताओं से मिलने की, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया, क्या ऐसा आलाकमान करेगा या मिलकर उनकी जो नाराजगी है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं सचिन पायलट अगला कदम क्या उठा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? तो ये तमाम प्रश्न अभी विद्यानाथ हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तय हो गई है कि अब राजस्थान में जो इस मैसेज के बाद जो लग रहा था कि ये जो है सारा पटाक्षेप हो जाएगा, जो जिस तरह की नाराजगी वो कम हो जाएगी, थम जाएगी, पायलट आ जाएंगे, लेकिन इस बार पायलट शायद कुछ तय करके ही नाराज हुए हैं। जिस तरह का मैसेज उन्होंने दिया इस पूरे कार्यकाल के दौरान, पायलट ने कभी इस तरह का मैसेज नहीं दिया। हालांकि गहलोत और पायलट के बीच तब से सरकार बनी है राजस्थान में, तभी से युद्ध, ये सियासी युद्ध जारी है दोनों के बीच, लगातार दूरियां बढ़ती गई, कई कोशिशें सचिन पायलट जब निकले राजस्थान से दिल्ली के लिए तो ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट इस बार ये तय करके निकले हैं कि वो आर पार करके आएंगे, या तो वो रहेंगे या फिर उनके विरोधी रहेंगे सत्ता में। तो क्या इसका भी एक संकेत अपने मैसेज के द्वारा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज के द्वारा सचिन पायलट ने दे दिया है और तमाम जो उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं वो पहुंच चुके हैं जयपुर, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों से उनकी मुलाकात दिल्ली में होनी थी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद अगर सचिन पायलट ये संदेश दे रहे हैं तो फिर ये संदेश क्या कह रहा है? देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ विद्यानाथ कि हमको इस संदेश के साथ दो बातें साथ लेनी पड़ेंगी राजस्थान के सियासत के लिहाज से। सियासत में अक्सर आशंकाएं और संभावनाएं साथ साथ चला करती हैं। एक मैसेज के आधार पर यह कह देना कि पायलट पूरी तरह से कट गए हैं, कांग्रेस से अलग हो गए हैं, या एक धड़ा गहलोत के खिलाफ हो गया है, जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये कहना कि तस्वीर जो दिख रही है बहुत आसान है, आलाकमान बात कर लेगा या गहलोत बात कर लेंगे, तस्वीर सही हो जाएगी, ये भी कहना ठीक नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं आशंका और संभावना को जो दौर है उस पर हमें अभी नज़र बनाए रखनी होगी और कल की जो विधायक दल की बैठक है उसका भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसके बाद जो बीजेपी वेट एंड वॉच की तरह थी, अब कहीं ना कहीं उसका रोल शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी कुछ समाचार इस तरह के भी आ रहे हैं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हुई है, कि सचिन पायलट बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और अगर संख्या बल उनके साथ, जैसा कि वो बता रहे हैं, 30 या इससे अधिक हो सकता है, तो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये कहना कि ऐसा होगा जल्दबाजी, लेकिन ये जल्दबाजी है, मध्यप्रदेश का ताजा उदाहरण है, नहीं किया जा सकता लाल सिंह फौजदार, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 40 मिनट तक सचिन पायलट की मुलाकात हुई है।
क्या ये मुलाकात सिर्फ एक कटसी मिट थी, क्या ये जो मुलाकात उनकी हुई है वो सिर्फ एक दोस्ती की वजह से मुलाकात हुई है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट करके एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो दुखी हैं सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है और सचिन पायलट के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से उससे वो दुखी हैं, तो वो क्या एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो दुखी होकर बाहर निकले बीजेपी में शामिल हो गए, उसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि सचिन पायलट भी बाहर हो सकते हैं। जयपुर में कांग्रेसी विधायकों की बैठक चल रही है और बैठक में शामिल करीब 75 विधायक हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मीटिंग में कल होने वाली बैठक पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर किसी भी खतरे से इनकार किया है, कांग्रेस को बहुमत का भरोसा है, यह कांग्रेस का दावा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि 75 विधायक बैठक में शामिल हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दावा है सचिन पायलट का वो ये कि 30 विधायक उनके साथ भी हैं और ये वो विधायक हैं जो कांग्रेस के विधायक तो हैं ही और बाहरी विधायक भी हैं, यानी कि निर्दलीय विधायक भी हैं। तो क्या कांग्रेस तो टूटेगी ही टूटेगी, सरकार भी कांग्रेस की क्या राजस्थान से जाने वाली है, गिरने वाली है क्या सरकार कांग्रेस की राजस्थान से? लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, देखिए एक तरफ 75 विधायक बैठकर मीटिंग कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं पार्टी और बाहरी। देखिए जरा, जहां तक संख्या बल का सवाल है वो शुरू होगा उसके बाद जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सचिन पायलट के साथ कितने विधायक जाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट के साथ विधायक जाने का मतलब है कि वो संख्या वहां तक सीमित रहने वाली नहीं है। लगातार जो तस्वीर राजस्थान की सियासत से निकली है, और चूंकि देखिए ये आपको समझना होगा, थोड़ा मैं अतीत में आपको विद्यानाथ लेके चलूँगा, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये तय नहीं है कि सीएम कौन बनेगा, और पहली बार ऐसा हुआ सचिन पायलट लगभग पर्दे के पीछे अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनकी जो गुर्जर और जाति से आते हैं, पहली बार राजस्थान की सियासत में ऐसा हुआ जब एक तरफा गुर्जरों ने सचिन पायलट को लेकर पूरा वोट कांग्रेस के पक्ष में डाला और बहुत हद तक उन्होंने युवाओं को टिकट दिए, वो जीतकर भी आए, तो कहीं ना कहीं एक आशा उनके मन में थी कि मुझे पार्टी मौका देगी। 5 साल तक उन्होंने काम किया, पार्टी को सींचा, और उनका ये कहना है कि मैं पार्टी को कहां से कहां लेकर आया हूं, 21 से लेकर 100 तक मैंने पहुँचाया है। लेकिन जैसे हुआ अशोक गहलोत सीएम बन गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन अंदर खाने जो चला वो कहीं ना कहीं दोनों नेता एक दूसरे को पचा नहीं पाए। लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, उनकी दखल बनी रही, और अशोक गहलोत का ये पूरा प्रयास रहा कि इसको कैसे कम किया जाए। आप देखिए, इसमें मैं जरूर ये जोड़ना चाहूँगा कि इसको हम अगर देखें तो पहली बार ये हो रहा है कि SOG यानी कि पुलिस तंत्र को एक हथियार बनाया जा रहा है कि सियासत में किस तरह किसको कमज़ोर किया जाए, किसको बढ़ाया जाए। पहली बार SOG इस तरह के नोटिस दे रही है, खुद मुख्यमंत्री को नोटिस दिया है, डिप्टी CM को नोटिस दिया है कि जो खरीद फरोख्त की सियासत हो रही है, सरकार को बदलने की जो बात की जा रही है, इस पटकथा में जाना होगा। और यही वो थी जिसने आग में घी का काम किया। पायलट ये नहीं पचा पाए कि मेरी सरकार में मुझको ही नोटिस दिया जा रहा है कि सरकार बदलने की जो कोशिश हो रही है उसमें मेरा भी नाम है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ, लाल सिंह फौजदार, इसका मतलब ये हुआ कि नाराजगी थी कि मुख्यमंत्री को पहले से इस बात की भनक थी कि हो ना हो पार्टी में कुछ गलत चल रहा है और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए हथियार बनाया गया उस एजेंसी को, उस डिपार्टमेंट को हथियार बनाया गया जिसने आज तक इस तरह किसी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को या मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया था। देखिए, उनको पता था या नहीं पता था, क्या सियासत में वास्तव में ऐसा चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये तो भविष्य में जब पर्दे खुलेंगी तब पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि ये जो पूरा गेम हुआ कहीं ना कहीं सियासत के फेरबदल के लिए एक हथियार बनाया पुलिस के तंत्र को, एक SOG को हथियार के रूप में उपयोग किया गया। जिस तरह के जो समीकरण सामने आ रहे हैं उससे हम ये कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा था या एक गेम प्लान SOG के माध्यम से किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक हमारी तमाम नेताओं से बात हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री को ही नोटिस दिया गया हो SOG, जो उसके मुखिया हैं,
डिप्टी सीएम है वो खुद के मुखिया, उनको एक अधिकारी अगर नोटिस देगा तो आप कल्पना करिए कि किस तरह की सियासत और किस तरह की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के लिहाज से भी इसको ठीक नहीं समझा जा सकता। और यही वजह है कि बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर हमला बोलने का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो जब राज्यसभा चुनावों के दौरान 35 करोड़ तक की बात आप कह रहे थे खरीद फरोख्त की, उस समय एसओजी ने नोटिस क्यों नहीं थमाया, ये इस समय क्यों हुआ है। और देखिए ये पूरी तरह से जो गेम है कांग्रेस की, जो अंदरूनी सियासत है विद्यानाथ, ये लगातार रुक नहीं पाई, ये थम नहीं पाई। आला कमान के प्रयासों के बावजूद भी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बावजूद भी, ये दूरियां बढ़ती गईं। और आज आलम ये है कि हम सभी ये कह रहे हैं कि सियासत में आज ये आवाज निकल कर आ रही है, क्या राजस्थान मध्य प्रदेश की राह पर चल पड़ा है। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अभी खुलने वाली है। बहुत कुछ खुद सचिन पायलट निकलकर सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो मैसेज संदेश भिजवाया है वो ये जरूर बता रहा है कि सचिन पायलट ये तय कर चुके हैं कि अब आर पार की लड़ाई उन्हें लड़नी है। वो दिल्ली से तब निकलेंगे जब उनके खाते में कुछ आ जाएगा, अगर उनके खाते में नहीं आएगा तो वो अपना रास्ता खुद चुन लेंगे, ये कम से कम वो तय करके निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, लाल सिंह फौजदार।